गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट वन के थर्ड पेपर के अंतर्गत हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि इस गैमेटोजेनेसिस के दौरान गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान, और जब दोनों गैमीट्स का फ्यूज़न होता है तो एक डिप्लॉयड सेल बनती है जिसे जायगोट कहते हैं। ये जायगोट यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होती है पर डिप्लॉयड होती है। अब जब हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो एम्ब्रियो जो बनेगा या ऑर्गेनिज्म जो बनना है वो मल्टी सेलुलर बनना है, बहुकोशिकीय बनना है। तो अब ये जो सिंगल सेल जायगोट बना डिप्लॉयड, इसको कन्वर्ट होना है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, क्योंकि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। तो एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं, आपको पता है कैसे बनती हैं, सेल डिवीजन के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो जायगोट बना है इसमें लगातार सेल डिवीज़न होते हैं, कोशिका विभाजन होते हैं, जिसके कारण ये सिंगल सेल जायगोट मल्टी सेलुलर मास या बहुकोशिकीय पिंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो क्रिया है या ये जो डिवीज़न है, इन्हें कहते हैं क्लीवेज। सो द क्लीवेज इज चेन ऑफ सेल डिवीजन्स इन फर्टिलाइज्ड एग टू कन्वर्ट सिंगल सेल जायगोट इंटू मल्टी सेलुलर मास। तो लगातार विभाजन होने के फलस्वरूप एक कोशिकीय जायगोट बहुकोशिकीय पिंड में बदल जाता है और यह प्रक्रिया क्लीवेज या विदलन कहलाती है। अब ये जब क्लीवेज होती है या विदलन होती है तो इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके लक्षण हैं, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो डिवीजन्स होते हैं या जो कोशिका विभाजन होते हैं, जैसा अभी मैंने कहा, इस दौरान एक सेल से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं तो डिवीज़न हो रहा है, लगातार सेल डिवीज़न हो रहा है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन सेम। क्रोमोसोम्स की संख्या या क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सभी कोशिकाओं में सेम रहता है। जैसे जायगोट डिप्लॉयड है तो आगे इससे जो सेल्स बनेंगी वो भी सभी डिप्लॉयड बनेंगी, क्योंकि इंडिविजुअल डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। तो इसलिए डिवीज़न कौन सा होगा इसमें, माइटोटिक, समसूत्री। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज ड्यूरिंग क्लीवेज डिवीजन्स आर माइटोटिक। क्लीवेज के दौरान जो डिवीजन्स होते हैं या जो सेल विभाजन होता है वो माइटोटिक या समसूत्री होता है, जिसके दौरान क्रोमोसोम्स की संख्या समान रहती है। सेकेंडली, जब ये क्लीवेज की क्रिया हो रही है तो सेल्स की संख्या तो बढ़ती है लेकिन एम्ब्रियो का साइज सेम रहता है, एम्ब्रियो के साइज में कोई चेंज नहीं होता। साथ ही साथ एम्ब्रियो का शेप भी चेंज नहीं होता है, एम्ब्रियो के आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगली बात, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं लेकिन वो भी लिमिटेड होते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल चेंजेस क्लीवेज के दौरान नहीं होते हैं, क्योंकि सेल जो है और डीएनए ये सब अपने डुप्लीकेशन में बिजी हैं। क्लीवेज में लगातार विभाजन हो रहा है, लगातार डिवीजन्स हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लीकेशन में बिजी हैं, तो बहुत ज़्यादा केमिकल चेंजेस नहीं होते। केवल कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब सेल डिवीज़न लगातार हो रहा है तो कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, स्पिंडल बनने के लिए ज़रूरत होती है। हालांकि इस समय इन्फॉर्मोसोम्स काम आते हैं, जो मैंने बताया था बनते हैं ओजेनेसिस के दौरान। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल में लगातार डिवीज़न हो रहा है, विभाजन हो रहा है, लेकिन जो सेल ऑर्गेनल्स हैं या कोशिकांग हैं उनकी पोजीशन में खास चेंज नहीं होता, वो अपनी जगह पर रहते हैं या वो सब वहाँ बने रहते हैं। केवल सेल का डुप्लीकेशन होता है, सेल का विभाजन होता है, जिससे नई सेल्स बनती जाती हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से सेल्स आगे बनती जाती हैं।
लेकिन जो क्लीवेज होता है तो कुछ चीज़ों का इस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्लीवेज की रेट जो है इसकी सभी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है, वो वेरी करती है, बदलती है। इसी के साथ साथ टेम्परेचर यानी ताप का, या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी अवेलेबल है, उन सब का भी क्लीवेज पर या विदलन की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉमन होती हैं जनरली सभी ऑर्गेनिजम्स में क्लीवेज या विदलन की क्रिया के दौरान। अब ये जो क्लीवेज है या विदलन है वो होता तो सभी ऑर्गेनिजम्स में है, जो जायगोट बना है उससे मल्टी सेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना है तो होगा, लेकिन क्लीवेज जो है वो अलग अलग तरह की होती है। अब एक जो क्लीवेज की टाइप है वो उसके आधार पर क्लीवेज के प्लेन की अगर हम बात करते हैं, क्लीवेज मैंने कहा डिवीज़न हो रहा है सेल का, तो प्लेन्स ऑफ क्लीवेज या विदलन के जो तल हैं वो अलग अलग होते हैं, किस तरीके से डिवीज़न हो रहा है, किस तरीके से खांच बन रही है इसमें सेल में, वो सब में अलग अलग होता है। तो ये अलग अलग प्लेन है। तो पहला जो प्लेन है वो है मेरिडियनल प्लेन, या इसे रेखांशिक तल भी कहते हैं। ये डायग्राम में देखिए मेरिडियनल प्लेन, मेरिडियनल प्लेन के दौरान जो क्लीवेज फरो होता है या क्लीवेज या विदलन की जो खांच होती है, पहली इंपॉर्टेंट बात इट इज़ वर्टिकल, वो वर्टिकल होती है, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, इट पासिस थ्रू द पोलर एक्सिस ऑफ द जायगोट। ये जो जायगोट है, जो सेल है, डिप्लॉयड सेल है, उसकी पोलर एक्सिस से, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ ही खांच जाती है वर्टिकल, और सेंटर में से होती है, उसकी एक्सिस में से होती है। तो इसके कारण जो जायगोट है जो डिवाइड होगा सेल को, दो बराबर सेल्स बनेंगी, बराबर भागों में बांट देगा। तो इस तरीके से बीच में जो एक्सिस से पास हो रहा है ये तल या प्लेन, वो मेरिडियनल प्लेन या रेखांशिक तल कहलाता है। दूसरा जो प्लेन है वो है वर्टिकल प्लेन या अनुलंब तल इसको कहते हैं। तो वर्टिकल प्लेन कौन सा होता है, जब क्लीवेज फरो या विदलन की जो खांच है इट इस वर्टिकल, वर्टिकल है, लंबवत है, बट इट डज नॉट पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ द सेल और द जायगोट, सेल की एक्सिस से क्रॉस नहीं होती, बीच में से सेंटर से नहीं होके या तो वो राइट होगी या लेफ्ट तरफ होगी। डायग्राम में देखिए दिख रहा है, या तो वो राइट की साइड में होगी या लेफ्ट की साइड में, तो ये वर्टिकल प्लेन कहलाता है। तीसरी तरह का प्लेन जो है वो है इक्वेटोरियल प्लेन, या इसे विषुवत रेखीय या विषुवतीय प्लेन भी कहते हैं, जैसा इसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता है कहाँ जाती है, जो आपने ग्लोब देखा है ना, तो सेंटर में से जाती है इक्वेटर रेखा, विषुवत रेखा जो होती है, और विषुवत रेखा क्या होती है, वो दो भागों में बांट देती है बराबर ग्लोब को, ऊपर वाला उत्तरार्ध और नीचे वाला जो है दक्षिणार्ध। तो इस तरीके से, तो इस प्लेन का नाम उसी आधार पर है इक्वेटोरियल प्लेन। इट इज़ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है, बीच में पास होता है जहाँ पर विषुवत रेखा होती है, और हॉरिजॉन्टली ये इस जायगोट को या सेल को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो एक ऊपरी सेल बन जाएगी, उत्तरी तरफ होगा, और एक दक्षिण की तरफ, तो ये दोनों इसके आधे आधे भाग बन जाएंगे, दो सेल्स बराबर बनेंगे। तीसरी तरह का प्लेन जो होता है वो है लैटिट्यूडिनल प्लेन या अक्षांशीय प्लेन इसको कहते हैं। अब ये भी नाम से आप इसको याद रखिए, लैटिट्यूडिनल प्लेन, इट इज अगेन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है, और इट इज आइदर टुवर्ड्स द एनिमल पोल और टुवर्ड्स द वेजिटल पोल, या तो एनिमल पोल की तरफ होगा, उत्तरार्ध की तरफ होगा, या फिर वेजिटल पोल की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। अगेन द सेल्स विच आर फॉर्म्ड आर ऑफ अनइक्वल साइज, जो सेल्स बनेंगी वो अनइक्वल बनेंगी, एक छोटी और एक बड़ी। तो इस तरीके से क्लीवेज के प्लेन्स अलग अलग होते हैं, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स में, किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का क्लीवेज हो रहा है, और उस तरीके से इसके प्लेन होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्लेन या अलग अलग तल इनके क्लीवेज के हो गए। जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फर्स्ट डिवीजन इज ऑलवेज मेरिडियनल, पहला डिवीजन जो है वो मेरिडियनल होता है, जो कि एक्सिस के थ्रू पास होता है वर्टिकली। अब हम आते हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज पे।
जब ये क्लीवेज होता है या डिवीज़न होते हैं लगातार, तो उस दौरान जो पैटर्न बनते हैं, जो रूप बनते हैं जायगोट में, वो पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज या विदलन के प्रतिरूप कहलाते हैं। आप इमेजिन करिए किसी बॉल को, या देख लीजिए हम जैसे एप्पल काटते हैं, तो पहले हम वर्टिकली उसमें एक कट लगाएंगे, फिर उसके 90 डिग्री पर एक कट लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको काटते हैं, वो बराबर भागों में बढ़ता है, किस तरीके से उसमें आप इमेजिन करके देखिए कहाँ कट लगा रहे हैं और किस तरीके से बन रही है, और कैसा, कहाँ हम कट लगाएंगे तो कैसा पैटर्न बनेगा या कैसा रूप बनेगा। तो पहला पैटर्न जो होता है रेडियल क्लीवेज होता है या अरी। अब अगर हमने पहला कट लगाया वर्टिकली ऊपर से लंबवत, दूसरा जो है वो भी लंबवत लगाया लेकिन पहले के 90 डिग्री पर था, एट राइट एंगल था। क्लीवेज का ये रूल है, द नेक्स्ट डिवीजन इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द फर्स्ट वन। अगला डिवीजन हमेशा पहले वाले के लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो पहला डिवीजन अगर वर्टिकली लगाया तो दो सेल्स बन गई, दूसरा डिवीजन फिर वर्टिकली हुआ लेकिन पहले वाले के लंबवत हुआ, चार सेल बन गई, चारों वर्टिकली कटी हैं। एंड इफ द थर्ड डिवीजन इज इक्वेटोरियल, हॉरिजॉन्टल है, बीच में से है, तो क्या होगा, चार सेल्स ऊपर बन जाएंगी, चार सेल्स नीचे बन जाएंगी। और इसको अगर हम ऊपर से देखें तो क्या दिखेगा हमें, एक ही रेडियस दिखेगी, यानी ऊपर जो चार सेल्स हैं उनके एकदम नीचे दूसरी चार सेल होंगी जो ऊपर से देखने पर हमें दिखाई नहीं देंगी। इस तरीके का जब पैटर्न बनता है तो वो रेडियल क्लीवेज कहलाता है। और इस तरीके की क्लीवेज इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में, सी अर्चिन में, इनमें मिलती है। दूसरी तरह का पैटर्न जो क्लीवेज का, वो होता है स्पाइरल क्लीवेज या सर्पिल विदलन इसको कहते हैं। इस तरीके के क्लीवेज में क्या होता है कि जैसा अभी मैंने बताया आपको कि चार सेल्स ऐसे बन गई जो हमें दिखाई दे रही है ऊपर से। अब जब सेल का डिवीजन होता है तो स्पिंडल बनता है, और दो एडजेसेंट सेल में स्पिंडल अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ना हो लेकिन अगर ऑब्लिक हो जाए, तिरछा हो जाए, तो क्या होगा, सेल्स का आगे जो डिवीजन हो रहा है वो भी उसी हिसाब से होगा, और इस कारण से जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी सी रोटेट हो जाती हैं, और सेल्स का ये रोटेशन जो है या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी की सुइयां जैसे चलती हैं उस हिसाब से नाम होता है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये सेल्स जो है वो रोटेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से अब जो सेल्स हम इनको देखेंगे, तो ऊपर से देखने पर रेडियल में क्या था, हमें चार सेल्स ऊपर दिखाई दे रही थी, चार नीचे दिखाई दे रही थी, लेकिन अब क्या होगा, चार सेल्स ऊपर दिख रही, उसके बीच बीच में आधी आधी नीचे वाली सेल्स दिखेंगी, वो घूम गई, रोटेट हो गई। तो इस तरीके से ये जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल क्लीवेज होता है, और इस तरीके का क्लीवेज हेलमिंथ्स जो होते हैं या एनेलिडा के एनिमल्स उनमें मिलता है, साथ ही मोलस्का के एनिमल्स जो हैं उनके एम्ब्रियो का जब परिवर्तन होता है तो इस प्रकार का पैटर्न बनता है। तीसरी तरह की क्लीवेज जो है वो है बाइलेटरल क्लीवेज या द्विपार्श्व क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज में क्या होता है कि जब क्लीवेज होता है तो कुछ एनिमल्स में जो चार सेल्स बनती हैं, ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, उसमें से दो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं साइज में, और उसके कारण क्या होता है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई देने लगती है, दो सेल्स दोनों साइड में दिखेंगी। और बाइलेटरल क्लीवेज जो है ये ट्यूनिकेट्स में और एम्फीबियंस में कॉमन होती है, और मैमल्स में तो होती ही है, आपको पता है। चौथी तरह की क्लीवेज जो है वो बाईरेडियल क्लीवेज होती है। बाईरेडियल जैसा इसका नाम है, द्विअरीय यानी दो रेडियस बन जाएंगे। ये कब होगा, जब पहले दो डिवीज़न जो है क्लीवेज के वो तो मेरिडायनल होते हैं, जैसा भी मैंने बताया वर्टिकल डिवीज़न होगा एक्सिस से, पहला हुआ, दूसरा उसके लंबवत एक्सिस से ही हुआ मेरिडायनल, और तीसरा डिवीज़न कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल ना होगा, थर्ड डिवीज़न इज अगेन वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस से नहीं होगा लेकिन साइड से होगा वर्टिकल, तो उसके कारण क्या होगा, एक कर्व्ड प्लेट बन जाती है, एट सेल एम्ब्रियो जो बनेगा और उसमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं, जो सेल्स बनी, वो दो रोज में अरेंज होंगी।
तो इस तरीके से दो रोज बन जाएंगी चार चार सेल्स की। तो इस तरीके से जो ब्लास्टोमियर्स बनती हैं वो जो ब्लास्टोमियर्स से थोड़ी साइज में बड़ी होती हैं। तो इस तरीके का पैटर्न बन जाता है। और इस तरह का जब दो रेडियाई बन गई तो ये बायरेडियल क्लीवेज कहलाता है। और इस तरीके का बायरेडियल क्लीवेज या द्विअरीय क्लीवेज टीनोफेरा के एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह का क्लीवेज अलग अलग एनिमल्स में पाया जाता है।